हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 500 रुपये से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जो रिस्क रहेगा वो सिर्फ 500 रुपये के ऊपर रहेगा। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि उस 500 रुपये पर आपको रिस्क कितना चाहिए, 100 चाहिए या 200 चाहिए, और जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, आज जो है वो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है बहुत तगड़ा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए 40 रुपये वाला ऑप्शन कितना हो गया, 246। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से और गिर सकता है, इसलिए हम व्यू ऑप्शन जिन पर क्लिक करके ये 32 रुपये वाला जो है एक पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय करेंगे। अब इस पे बाय करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, मार्केट में लिमिट लगाना है। यहाँ से हम इसको 31 रुपये 15 पैसे पे बाय करेंगे, ठीक है। ये लिमिट लगाया और यहाँ से जो है बाय बटन पे क्लिक कर देंगे। बाय बटन पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करना है, और इसमें अगर इसके जो प्राइस है उसमें कोई मूव आता है तो फिर इसका जो प्राइस है जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और यहाँ से आप देखिए वो 31 वाला जो है 39 हो चुका है, तो अब हमें जो है लिमिट फिर से बढ़ाना पड़ेगी और इसको लगभग 37 रुपये करना पड़ेगी हमें लिमिट, ठीक है। तो ये हमने 37 रुपये कर दिया और डन बटन पर क्लिक कर दिया। अब जो हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। ऑर्डर हमारा जो एग्जीक्यूट हो चुका है ये नीचे देखने को मिल जाएगा हमको। बैंक निफ्टी 43,700 का पुट हमने लिया है। अब देखिए इसमें लॉस पूरा का पूरा भी हो सकता है, SLB लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर यहाँ से और बड़ा मूव आ जाए बैंक निफ्टी में। मान लीजिए बैंक निफ्टी आज 2 या 2.5% गिर जाए तो ये 500 रुपये 2500-3000 भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी जो है कहाँ चल रहा है, 43,925 पे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अगर आपको ये पता करना है कि कितना होगा, तो अगर ये 2.5% गिरता है आज, तो यहाँ पे मतलब कि अपन इसको और 1.5% गिराते हैं एग्जांपल के लिए, हाँ। तो अगर ये 43,500 जाता है तो ये देख लीजिए आप, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी बैंक निफ्टी जो है गिरने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना गिरेगा कितना नहीं वो ये अभी पता नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपको अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं, देखिए स्टॉप लॉस लगाना है तो एड स्टॉप लॉस पर क्लिक कर दीजिए। हमने कितने पर बाय करा था, हमने बाय करा था इसको 36 रुपये मान लीजिए। तो यहाँ से आप चाहें तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या 25 का, वो टारगेट 100 रुपये 150 रुपये जो आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। लेकिन पता नहीं ना कि अभी चला जाएगा, इसमें टाइम लग सकता है, और मूव अगर ऊपर की तरफ आए तो फिर आप 100 रुपये का मतलब स्टॉप लॉस वगैरह मतलब 100 रुपये का लॉस लेके बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये वेट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा इतने जल्दी नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो प्रीमियम स्पाइक करते हैं सबको ऐसा लगता है कि अब निकल जाना चाहिए, अब निकल जाना चाहिए, अब निकल जाना चाहिए। तो प्रीमियम देखो इस प्रकार से स्पाइक करते हैं, 24 रुपये वाला 175, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने अभी बाय करा, हमें अभी लॉस हो गया तो हम एग्जिट कर लें, हमने लगाए कितने रुपए, हमने मात्र 500 रुपये लगाए ऊपर, उसमें अगर हमको लॉस हो भी जाएगा तो कितना ही हो जाएगा, मात्र 500 रुपये का ही तो हमको लॉस होगा। देखिए लॉस तो सिर्फ लिमिटेड है, लॉस आपको ज़्यादा नहीं होगा, लॉस आपका लिमिटेड है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो आपको अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अब देखिए हमको जो है प्रॉफिट अभी कितना, 36 रुपये पे बाय करा था, अब देखो अभी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, 1 रुपये के प्रॉफिट में अभी हम आ चुके हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और रेडी है वो गिरने के लिए। और जब ऐसा सीधा लाइन आपको देखने को मिले ऊपर ज़्यादा मतलब हल्का सा ऊपर जाए, हल्का सा नीचे, हल्का ऊपर, तो ऐसे में बड़ा मूव नीचे की तरफ आ जाता है जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा गिर सकता है, इसीलिए हमने इसको बाय करा, वापस से लॉस में आ गए क्योंकि थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करना है। अब मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ, जब भी आप इस प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ध्यान में ये रखना है कि बड़े अमाउंट को पैसा नहीं लगाना है यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास 20,000 है, 30,000 है, वो नहीं लगाना है। हमारे पास भी अभी कितने थे, 5,000 रुपये के आसपास थे, लेकिन हमने इसमें 500 रुपये लगाए हैं। ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसके चलते हमने इसमें इतने रुपये लगाए हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।